2016 से लेके 2021 तक टेस्ट में इंडिया नंबर वन है हर साल 16, 17, 18, 19, 20, 21। और जनाब इसमें 8 मैचेस इन्होंने सेना 7 कोहली ने जीते हैं। जो T20 की लिस्ट है उसमें जो है हम लकी इसलिए हैं कि वहां पे कोई इंडियन नहीं है, तो ऑस्ट्रेलियंस जितने भी हैं वो पाकिस्तान की आबादी से जरा कम है। पाकिस्तान का बुरा दिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में आ गया और वहां आप जेर हो गए, ढेर हो गए। मतलब आप 8 विकेट लेने के बाद अगले 90-95 रन कराएंगे तो आप कैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री ले सकते हैं? घंटा नहीं ले सकते भाई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। परसों जो मैच है दूसरा वो स्टार्ट होने वाला है इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग में। रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार है इंडिया का वहां पे। मोहसिन भाई से पूछेंगे उस रिकॉर्ड के बारे में और जिस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है तो जाहिर है कि तारीफों भी आ रही है। और आमला, आशिम आमला, वन ऑफ द लेजेंड बैट्समैन, बहुत ही रिस्टी और स्टाइलिश एलिगेंट, उन्होंने भी बड़ी तारीफ किया टीम इंडिया की और परफॉर्मेंसेस आपके सामने है। तो भाईजान मैं ये अर्ज कर रहा हूं 2016 से लेके 2021 तक टेस्ट में इंडिया नंबर वन है हर साल 16, 17, 18, 19, 20, 21। और जनाब इसमें 8 मैचेस इन्होंने सेना 7 कोहली ने जीते हैं, लेकिन 8 मैचेस जो है इन्होंने सेना कंट्रीज में जीते हैं, जिसमें एक वो रहने का जो है आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया का जो अभी जितवाया है उन्होंने, दो सीरीज जो जितवाई है ना, 2 मैच रहने ने भी जितवाए हैं जिसमें अभी ऑस्ट्रेलिया में, तो जीतते चले आए, जीतते चले आए, जीतते चले आए। 6 टेस्ट मैच कोहली के लिए भी हुए हैं, तो ये मतलब 2 पहले जीते थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर ये अफ्रीका के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच जीते हुए हैं। एनीवेज तो ये है जनाब वो विराट कोहली साहब जिन्होंने आपके, और ये जो हाशिम आमला है वो फरमा रहे हैं, वो कहते हैं इंडिया इज अ फॉर्मिडेबल टीम, दे आर प्लेइंग ग्रेट क्रिकेट सिंस कपल ऑफ इयर्स, यानी कि काफी सालों, कपल ऑफ इयर्स मैंने यूज कर दिया, वो ये कहते हैं काफी सालों से और दे आर मेंटेनिंग अ पोजीशन। लेकिन रिजवान इसमें एक चीज है, हाशिम आमला ने कहीं यानी क्या दे आर मेंटेनिंग अ पोजीशन बट दे लॉस्ट द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, दे आर मेंटेनिंग द पोजीशन बट दे फेल टू विन द वर्ल्ड कप, दे आर मेंटेनिंग द पोजीशन बट दे फेल टू विन चैंपियंस ट्रॉफी, दे आर मेंटेनिंग द टॉप पोजीशन बट दे फेल टू विन द वर्ल्ड T20 टाइटल, दे फेल टू क्वालिफाई आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू द नॉकआउट स्टेज। ये सारी बातें उन्होंने नहीं की, उन्होंने यही कहा कि इंडिया की टीम बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है और कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है रिजवान हैदर साहब कि वो अगर अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो ऑब्वियसली टीम एक यूनिट की तरह कैसे खेलती है, जब यूनिट कप्तान जो होता है शिप का, जहाज का, वो स्टडी का, ऑब्वियसली उसमें चाहे आप हिटमैन की बात करें, चाहे आप शेखर धवन हो, चाहे उसमें कोचिज हो, चाहे उसमें शास्त्री साहब हो, चाहे उसमें राहुल हो, चाहे उसमें बुमराह हो, शामी हो, जो भी है, ये सारे यूनिट है। देखिए ना, हमेशा लाइमलाइट कप्तान को मिलती है, इतने साल कोहली ने एंजॉय किया है, थोड़ा सा डिप इन फॉर्म आया तो जनाब लगड़ बगड़ जो है वो बाहर निकल आए हैं, बोलना शुरू हो गए। रिजवान जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो जोहानिसबर्ग है 1992 में से लेके जो इंडिया पहली दफा वहां खेला जाके 5 टेस्ट मैच खेल चुका है, 3 ड्रॉ है, 2 टेस्ट मैच इन्होंने जीते हैं। 2018 जो लास्ट टाइम इन्होंने यहां खेला था जोहानिसबर्ग में, पिच वो मुश्किल थी उसमें जी, वो भी मैच इंडिया ने जीता था। इंडियन अंडर 19 ने कल जो है वो एशिया कप जीत कर साल की बड़ी जबरदस्त एंडिंग की है। और बिल्कुल आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें एक तो हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं, तो हम दोनों की तरफ से भी हैप्पी न्यू ईयर बहुत बहुत आप लोगों को। और उसके अलावा आप लोग पूछ रहे हैं कि बेस्ट मोमेंट्स क्या थे, तो यार नो डाउट अबाउट एनीथिंग, मेरा सबसे बड़ा मूवमेंट यहाँ एफी भाई का भी वही है, मुझे मालूम है इसलिए मैं उनकी तरफ से भी कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मूवमेंट जो था
बेस्ट मोमेंट वो वही था, अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जो इंडिया के यंगस्टर्स ने यानी वो नौजवान टीम ने, जिसमें के आखिर में शार्दुल और सुंदर डेब्यू कर रहा था, एक टेस्ट मैच खेला था और बैटिंग नहीं आई थी शार्दुल की, तो इस तरह के लोगों को लेकर भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जेर किया और गाबा में 32-33 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक टेस्ट मैच हारी बिकॉज ऑफ दैट पैशन। वो पैशन की जीत थी, वो अग्रेशन की जीत थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बदतमीजियां। उसके बाद साल का बेस्ट मूवमेंट अगर देखा जाए नौजवान क्रिकेट के लिए, तो बेहतरीन मूवमेंट था कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो अभी कुछ दिन पहले अंडर 19 सतह पर मैच हुआ, क्रंच मैच था और बिल्कुल ऐसा नेल बाइटर हुआ वो कि आखिरी ओवर तक गया, आखिरी बॉल तक गया, पाकिस्तान नैरोली वो मैच जीत गया। लेकिन वहां से फिर एक और बेस्ट मूवमेंट की इब्तिदा हुई कि इंडियन अंडर 19 के जो नौजवान लड़के हैं उन्होंने वहां पर ये ठानी कि यार भाई ये एक शिकस्त एक बुरा दिन ऑफिस में आना था, अब हम इस टूर्नामेंट को लेकर चले जाएंगे। पाकिस्तान का बुरा दिन अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल में आ गया और वहां जेर हो गए, ढेर हो गए। मतलब आप 8 विकेटें लेने के बाद अगले 90-95 रन कराएंगे तो आप कैसे वर्ल्ड कप के फाइनल में एंट्री ले सकते हैं? घंटा नहीं ले सकते भाई, ले ही नहीं सकते। और अब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान साल के नए दिन ये फरमा रहे हैं कल उन्होंने 31 दिसंबर को कि पाकिस्तानी कोचिस की जरूरत नहीं है, हमें तो आप सपोर्ट स्टाफ में फॉरेन कोचिस दे। अबे फॉरेनर तुम्हें क्या दे रहा है ऐसा? नहीं तो ये फॉरेन कोचेस जो मांग रहे हैं ये किस फॉर्मेट में मांग रहे हैं भाई? शॉर्टर फॉर्मेट में तो इनकी दाल गली भी है, ठीक है, दोनों की, बाबर और रिजवान की, ये मांग रहे हैं लॉन्गर फॉर्मेट में कोचेस मांग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे फेल है ये, जहां पर अपने आप को छुपाते हैं T20 और ODI दिखा के। भाई दुनिया में अगर लेजेंड बनना है तो आपको 5 दिन वाले खेल में बनते हैं भाई लेजेंड। देख ले दुनिया के जो बड़े बड़े बल्लेबाज है वो कहां पे खेलते हैं, कौन सा फॉर्मेट खेलते हैं, उनका नाम क्यों लिया जाता है बार बार। इसी वजह से बाबर को भी जो बड़े हैं उन्होंने बोला कि भाई ऐसे कोचेस लेकर आ जो तुम्हें लॉन्गर फॉर्मेट में कम से कम लेजेंड की फहरिस्त में तो लेकर आए, वर्ल्ड क्लास की फहरिस्त में तो तुम आ जाओगे, शॉर्टर फॉर्मेट खेल के लेजेंड की फहरिस्त में अभी तक नहीं आए। तो लेजेंड की फहरिस्त में आने के लिए उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह करने वाले कोच सकलैन मुश्ताक बेसिकली दबे लफ्जों में सकलैन भाई पर ये सवाल उठाया है कि जो कुछ हम अचीव कर रहे हैं वो सकलैन की वजह से नहीं है, वो थोड़ा सा हेडन सिखा गया, थोड़ा सा फिलेंडर सिखा गया। मैं कहता हूँ लानत है कि सकलैन जैसे शरीफ आदमी को इन्होंने इनडायरेक्टली टारगेट किया है भाई। मामला ये बात समझने की आपको जरूरत है कि ये नॉमिनीज जो हैं अब इनको जब इन्होंने अवार्ड देना है जी तो उसके लिए एक ज्यूरी है, एक तो वो ज्यूरी है जो ब्रॉडकास्टर्स और कुछ जर्नलिस्टों पर है कि वो अपनी वोटिंग करेंगे, एक में हमारे शायद भाई भी हिस्सा थे जी जी लास्ट ईयर, तो वो जो है वो वर्ल्ड कप की ज्यूरी में थे जी जी, तो उससे जो है ना ये वोटिंग करेंगे लेकिन इनकी वोटिंग फाइनल अथॉरिटी नहीं है, फिर साथ ही वो पब्लिक से भी वोटिंग जो है ना वो कर रहे हैं, फिर दोनों के पॉइंट्स को जो है ना वो कंबाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी होगी उसकी क्या परसेंटेज होगी। लेकिन जितने नंबर ऑफ पर्सन जो करेंगे उसका रेशियो देख के फिर उस वोट को उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन एक और चीज भी है जट की, अगर फर्ज करो जैसे इंडिया की आबादी 1.25 अरब से ज्यादा है, ठीक है, 1 अरब से ज्यादा है, तो अगर कोई इंडियन प्लेयर नॉमिनेट होता है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि पब्लिक पोल की बुनियाद पे अगर वो मेरिट पे नहीं है तब भी उसे जितवा दिया जाए। देखिए ये जो पब्लिक का होता है ना ऐसा नहीं होता कि 1000 आ गए तो वो 1001 काउंट किए जाएंगे, सही है ना, उनका एक सिस्टम है, रेशियो है उसको हिसाब से, लेकिन वो वेटेज जरूर होता है। तो जो T20 की लिस्ट है उसमें जो है हम लकी इसलिए हैं कि वहां पे कोई इंडियन नहीं है, तो ऑस्ट्रेलियंस जितने भी हैं वो पाकिस्तान की आबादी से जरा कम है।